नमस्कार। जैसा कि मैं कहता हूँ, नोट्स बहुत शॉर्ट में होने चाहिए। और आज देखो मेरे पास में ये 8 पेज के अंदर है, दादा भाई नौरा जी का व्यक्तित्व कर्तित्व है और बहुत शॉर्ट के अंदर परीक्षा उपयोगी तथ्य मैं कैसे साधता हूँ आपके लिए। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण है कि दादा भाई जो नौरा जी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ और पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में धन के जो निष्कासन का सिद्धांत दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरी बात, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही जुड़े हैं, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे वो, और उन्होंने पहला आंदोलन छेड़ा और आंदोलन का विषय था कि भारत में जो भारत के लोग हैं उनको सिविल सेवाओं के अंदर नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में भी इन्होंने सहयोग दिया। और उन्होंने कहा मतलब कि उदारवादी नेता के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत का जो पक्ष रखा और ये कहा कि भारत जो है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखता है, इस तरीके का पक्ष करके उन्होंने राष्ट्र की जो समस्याएं हैं वो वहां पर उन्होंने रखी। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के वो उपाध्यक्ष चुने गए और गवर्नर लॉर्ड रे के द्वारा बॉम्बे विधायी परिषद के अंदर वो नॉमिनेटेड हुए। इसके अलावा कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 86 में, 1893 में और 1906 में, ठीक है। और 1893 में उन्होंने भारतीय संसदीय समिति के गठन के अंदर भी हेल्प की थी। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय खर्च था उसके वो सदस्य बने थे। और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब 1901 में छपी थी और उन्होंने धन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। और इसमें उन्होंने भारतीय की प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये बताई। इससे पहले ये माना जाता था, अंग्रेज ये कहते थे कि हम भारत के लोगों की भलाई कर रहे हैं। दादा भाई नौरा जी ने इस पुस्तक के माध्यम से ये बताया कि धन का जो निष्कासन है, भारत का जो पैसा है कैसे ब्रिटेन के अंदर जा रहा है, उस पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला। उन्होंने पूरा विश्लेषण किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भत्ते, वेतन, पेंशन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन, कंपनी की देनदारियां, उपहार से मिला धन, निजी व्यापार से प्राप्त धन, रक्षा बजट के अंदर खर्च, रेल जैसे उद्योग में धन लगाने से पूंजीपतियों को लाभ दिया जाना, इस तरीके से धन के निष्कासन का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया कि भाई भारत का जो पैसा है वो विदेश के अंदर कैसे जा रहा है। उन्होंने धन का जो निष्कासन है उसके दुष्परिणाम भी बताए कि धन के निष्कासन के कारण यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण भारत के अंदर कैपिटल एक्युमुलेशन यानी जो पूंजी है उसका संचय नहीं हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। धन के निष्कासन के कारण भारतीय लोगों पर कर बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं, कुटीर उद्योग धंधों का खात्मा हो चुका है, भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है और भूमि जो है कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, देश जो है आर्थिक रूप से खराब होता जा रहा है। तो इस तरीके से दादा भाई नौरा जी ने भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत सटीक विश्लेषण किया। दोस्तों, 7-8 पेज का मैटर है और आप देखो 3 मिनट के अंदर और मुश्किल से 1 पेज में आपके लिए तैयार कर दिया। तो इस तरीके से आप राष्ट्रीय आंदोलन से हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, नोट्स बनाओ और बहुत संक्षेप के अंदर नोट्स बनाओ। और कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो, है ना, तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।